भविष्य के बारे में मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसमें कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हिलने नहीं चाहता हूँ। हम लोग पहले दादाजी को मिले थे, दादाजी ने थोड़े से हमको इतने अच्छी तरह से सुगुन से समझाया बताया उन्होंने, जो हम लोग को इज़ अ सो ओल्ड एक्सपीरियंस आदमी है ये लाइन्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर। तो हम लोग को इतनी अच्छी सी गाइडलाइन से हम लोग ने बताया, जब स्टोरी उनको बताया तो उन्होंने लगा कि नहीं, यहाँ से चार पांच सॉन्ग्स में से कम ऑलमोस्ट तो ऑल होना है, लेकिन तीन तो बढ़िया से बढ़िया जाना है। पहले ये दोनों हीरो हीरोइन राजा रानी है, पहले मजाक मस्ती में चलते हैं, फिर ये दोनों का डिवाइडेशन होता है, एक विलन एंट्री मार लेता है और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग को बिना कारण से किसी ने हम लोग को ये कोई साजिश से हम लोग अलग हुए हैं, तो हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर ये लोग दोनों एहसास करते हैं और फिर ये दोनों मिलते हैं, फिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं कि हमें तुमसे प्यार हो गया चुपके चुपके। डुएट सॉन्ग है कि क्या है, लड़का लड़की जो है पूरी फिल्म में यानी आपस में इन लोगों को नफरत होता है, पर जब इन लोगों के यानी दोनों फादर का डिवाइडेशन हो जाता है तो इन लोगों को एहसास होता है कि हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसके बाद में अब ये कॉलेज की छुट्टियां हो जाती है, लोग मिल नहीं पाते, तो नौकर और नौकरानी इनको मिलाते हैं एक जगह यानी गार्डन में आकर के मिलते हैं, वहाँ उनका यानी कि वो बातचीत होती है जिसमें वो अपने प्यार का यानी कि इजहार करते हैं। इसका टाइटल सॉन्ग अभी हो रहा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया चुपके चुपके, रोमांटिक गाना है और पिता ने बहुत अच्छी धुन बनाई, मैंने धुन पे ही लिखा इसे और अच्छा गाना पसंद आना चाहिए लोगों को। जो मैं चाहता हूँ मेलोडी, ओरिजिनल मेलोडी, जो मेरा जो स्टाइल है, एक बार फिर से 2001 से शुरू करें, सबको पसंद आएगा।